हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ काव्या। और देखिए फ्रेंड्स, रोजेस अब धीरे धीरे खिलने लगे हैं, यानी बड्स बनने लगे हैं इनमें। तो कल हमारे यहाँ काफ़ी बरसात हुई थी, तो देखिए काफ़ी नए बर्ड्स बनने लगे हैं और इनमें थ्राइप्स की बीमारी हो गई थी। तो मैंने कुछ सोल्यूशन किए हैं, तो कौन से सोल्यूशन मैंने किए थे तब जाके ये जो प्लांट है मेरा हेल्दी हो गया है। तो जल्दी एक वीडियो मैं शेयर करूँगी, काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए। तो देखिए हाइबिस्कस के भी बर्ड्स अब बनने लगे हैं। सो बन तो रहे थे फ्रेंड्स, बट ब्लूम नहीं कर रहे थे। तो आई होप अब बरसात शुरू हो चुकी है तो इन्हें जो क्लाइमेट पसंद है वो शायद इन्हें मिल जाए और ये ब्लूमिंग करना स्टार्ट कर दे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ प्लांट्स की शॉपिंग मैंने की है और मैं आज बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो क्या है वो हैप्पीनेस? पहला तो आपको पता चल गया है कि मैंने प्लांट्स की शॉपिंग की है, तो दूसरा क्या है वो आपको मैं बताऊँगी। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। सो ये कुछ प्लांट्स मैंने शॉपिंग किए हैं फ्रेंड्स, और ये सारे प्लांट्स मैं लाई हूँ बिल्कुल ही फ्री फ्री फ्री। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं ये सारे प्लांट्स लाई हूँ बिल्कुल ही फ्री में। तो मैं आपको आगे बताऊँगी कि मैं कहाँ से ये सारे प्लांट्स फ्री में लाई हूँ, तो वीडियो ज़रूर आप पूरा देखिएगा। तो सबसे पहला प्लांट है फ्रेंड्स बोगनविलिया का। तो देख सकते हो आप, ये डबल वेराइटी का बोगनविलिया का प्लांट है। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स हमारे नर्सरीज पर जल्दी मिलता नहीं है, तो ये मुझे मिल चुका है वो भी बिल्कुल ही फ्री में, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। तो ये जो प्लांट की वेराइटी है, मैं लेकर आई हूँ दो प्लांट। तो ये एक प्लांट है और ये एक दूसरा प्लांट है फ्रेंड्स, और इनका जो फ्लावर है वो लेकर आते वक्त टूट चुका था मुझसे। तो इस वेराइटी के मैं दो प्लांट लेकर आई हूँ, और ये टॉर्च बोगनविलिया का प्लांट लेकर आई हूँ जिसे चाइनीज़ बोगनविलिया भी कहते हैं। तो देखिए अब इनमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस वेराइटी के मैं दो प्लांट लेकर आई हूँ। वैसे चाइनीज़ बोगनविलिया का प्लांट मेरे पास है, बट बोगनविलिया एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स जो आप अपने गार्डन में बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हो। ये एक हार्डी प्लांट है और अभी रेनी सीजन में आप इसकी कटिंग भी बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हो। तो ये है बोगनविलिया का प्लांट। नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स हाइबिस्कस। तो मैं कुछ छः प्लांट्स लेकर आई हूँ हाइबिस्कस के। तो देखिए ये मुझे कुछ अलग लगा, इनके लीव्स देखिए फ्रेंड्स थोड़े रेडिश कलर के थे, तो मुझे लगा कोई और वेराइटी होगी। तो जब मैंने इस प्लांट को लिया था तब इनके जो बर्ड्स है वो खिले नहीं थे, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, बट ये नॉर्मल जो हमारा हाइबिस्कस होता है वही निकला। कोई बात नहीं, बट इनके लीव्स बहुत ही मुझे अच्छे लगे। और देखिए ये एक और प्लांट है हाइबिस्कस का, पिंक कलर का एक क्यूट सा हाइबिस्कस है। तो मेरे पास इसमें वाइट कलर का है बट पिंक नहीं था, तो मुझे पिंक चाहिए था, तो देखिए पिंक भी मिल चुका है मुझे। तो हाइबिस्कस एक ऐसा प्लांट है जो आप पूरे साल ग्रो कर सकते हो अपने गार्डन में। और ये एक और वेराइटी है फ्रेंड्स, इनके एजेस देखिए फ्लावर्स के थोड़े डिफरेंट है। तो ये भी बर्ड ही था, तो मुझे लगा शायद कोई और वेराइटी होगी, तो मैंने इसे ले लिया था। तो देख सकते हो आप, इनके लीव्स थोड़े पतले और लंबे थे, तो मुझे लगा शायद कोई और वेराइटी होगी। हाइबिस्कस एक ऐसा प्लांट है जिसमें बहुत सारी वेराइटीज़ आपको मिल जाती है, तो मुझे लगा कोई और होगी, बट ये नॉर्मल सा ही है, बट कोई बात नहीं, ये भी ब्यूटीफुल है। और ये एक वेरीगेटेड वाला हाइबिस्कस है फ्रेंड्स, तो मेरे पास ऑलरेडी वेरीगेटेड हाइबिस्कस है, बट मुझे ये बहुत पसंद आया। इनके लीव्स देखिए कितने ब्यूटीफुल है, तो मैंने सोचा इसे और थोड़ा इंक्रीज़ करूँ मेरे गार्डन में, तो इसे भी मैंने ले लिया। और ये एक और हाइबिस्कस का प्लांट है, मैं ये होप कर रही हूँ कि इसमें जो फ्लावर्स आए वो डबल वेराइटी के आए। तो देख सकते हैं कि इनके लीव्स देखिए कितने खूबसूरत है, तो आई होप इनमें डबल जो वेराइटी आती है हाइबिस्कस की वो आए। अगर सिंगल आता है तो भी कोई बात नहीं फ्रेंड्स, लीव्स बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये एक और प्लांट है, देखिए इसमें भी एक बर्ड है, तो जब ये खिलेगा तभी पता चलेगा अब ये सिंगल वेराइटी है या डबल है। सो हाइबिस्कस एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स, अगर आप इसकी प्रॉपर केयर करते हो तो सालों साल आपके गार्डन में ये ढेरों फूल देता रहता है। नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स पर्पल फॉल्स इरेंथमम। तो देखिए इनकी लीव्स कितने खूबसूरत है, पर्पलिश कलर के हैं। तो अगर आपके गार्डन में आपको कहीं कलर ऐड करना हो तो आप इस प्लांट को कंसीडर कर सकते हो। अगर आप इस प्लांट को किसी ग्रीन कॉम्बिनेशन के साथ लगाते हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा आपका वो गार्डन का कॉर्नर, तो इसीलिए मैंने इस प्लांट को लिया है फ्रेंड्स। और इनमें कुछ फ्लावर्स भी खिलते हैं तो वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं। तो ये है पर्पल फॉल्स इरेंथमम।
सो नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स, ये भी एक इरेंथमम की ही वेराइटी है। इसे येलो वाइंड इरेंथमम या इरेंथमम रेटिकुलम भी कहा जाता है। तो इनमें भी वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, बीच में पर्पल डॉटेड होते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगता है जब इनके फ्लावर्स खिलते हैं। तो जब नर्सरी पर मैंने ये प्लांट देखा था तो कुछ ऐसे प्लांट्स थे जिस पर फ्लावर्स ब्लूम कर चुके थे, तो मैंने वो प्लांट नहीं लिया। तो ये प्लांट मुझे थोड़ा हेल्दी लगा तो मैंने इसे चूज़ कर लिया। तो जब मैं इन दोनों इरेंथमम को साथ में ग्रो करूँगी तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा वो पॉट। तो मैं इन्हें जब भी ग्रो करूँगी तो हो सके तो एक वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट मैंने लिया है फ्रेंड्स एक रोज़ का प्लांट। तो ये एक देसी रोज़ का प्लांट है, तो रोज़ेस की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी नर्सरी पर, तो मुझे ये एक थोड़ा ठीक लगा तो मैंने इसे ले लिया। तो वैसे मुझे रोज़ नहीं लेना था बट ये देसी रोज़ था तो मैंने सोचा इसे मैं ले लेती हूँ। तो रोज़ेस वैसे अभी बहुत ही अच्छी ग्रो होंगे, तो आप चाहो तो अभी परचेस कर सकते हो, बट बेस्ट होगा आप अक्टूबर में परचेस कीजिए रोज़ेस, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी उनमें। नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स रातरानी। तो रातरानी एक ऐसा प्लांट है जो आपके गार्डन को पूरा जो है खुशबू से भर देगा। तो मेरे पास दिन का राजा का प्लांट था बट रातरानी नहीं था, तो मैंने सोचा इसको कॉम्बिनेशन को मैं कंप्लीट करूं। तो दोनों प्लांट अभी मेरे गार्डन में अवेलेबल है। तो देखिए ये प्लांट कुछ अच्छी कंडीशन में नहीं है बट ये थोड़ा ठीक है। सो इस साल तो रातरानी बिल्कुल भी ब्लूम नहीं करेगा क्योंकि प्लांट छोटा है, तो मैं इसे ग्रो होने दूंगी। तो नेक्स्ट ईयर आपको इस पर फ्लावरिंग ज़रूर देखने मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स मोगरा का। तो वैसे मोगरा मेरे गार्डन में है, मेरे पास तीन वेराइटी है फ्रेंड्स मोगरा का। तो ये प्लांट मुझे थोड़ा अच्छा लगा। आई थिंक मोगरा एक ऐसा प्लांट है जो आपके गार्डन को बहुत ही महका सकता है। तो मोगरा समर से लेके मॉनसून तक आपके गार्डन में ढेर सारे फ्लावर दे सकता है। तो वैसे मेरे पास मोगरा थे बट मैंने सोचा कि मैं और मोगरा को थोड़ा ऐड करूँ अपने गार्डन में। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है फ्रेग्रेंस प्लांट। तो देख सकते हो आप इस जो बैग में है फ्रेंड्स दो प्लांट है, तो मैं होप कर रही हूँ कि ये दोनों अलग अलग वेराइटी हो। तो जब मैं इसे रिपोर्ट करूँगी तभी पता चलेगा कि ये सिंगल प्लांट है या इसमें दो अलग वेराइटी है। तो मैं होप करती हूँ कि इसमें दो वेराइटी निकले। नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स कनेर का, जिसे ओलियंडर भी कहते हैं। तो ये जो प्लांट है इस पर रेड कलर के फ्लावर्स आएंगे ऐसा वो जो नर्सरी वाले भैया ने बताया है। तो मेरे पास ऑलरेडी पिंक कलर के फ्लावर्स का प्लांट है, तो देख सकते हो आप आई थिंक ये कटिंग से ही ग्रो हुआ है। तो मैं ये होप कर रही हूँ कि ये डॉफ वेराइटी हो, तो जब इनमें फ्लावर्स खिलेंगे तभी पता चलेगा इनमें कौन से कलर के फ्लावर्स आएंगे। तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो अपने गार्डन में। नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स, जब मैं नर्सरी गई थी तब मुझे आइडिया नहीं था ये कौन सा प्लांट है, तो मैंने इसे ले लिया। तो वैसे मुझे अभी भी पता नहीं है बट मैंने सर्च किया तो मुझे इसका नाम पता चला है, ब्राज़ीलियन बटन फ्लावर। जो इनके फ्लावर्स आते हैं फ्रेंड्स वो बिल्कुल डेजी की तरह होते हैं, तो इन्हें लार्क डेजी भी कहते हैं। तो आई थिंक ये कोई हर्बेशियस प्लांट है, तो मुझे इनके लीव्स थोड़े जाने पहचाने से लगे तो इसीलिए मैंने इसे ले लिया है। तो इनमें जो है पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं बिल्कुल डेजी की तरह, बहुत ही क्यूट लगते हैं, तो इसीलिए मैंने इन्हें भी दो प्लांट ले लिया है। तो देखिए इनके लीव्स बहुत ही खूबसूरत है। नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स वर्बीना, ये एनुअल वर्बीना है। तो ये पर्पल कलर का प्लांट मेरे पास था, तो एक प्लांट मैंने ये ले लिया और पिंक कलर का एक वेराइटी मुझे मिल गया। वैसे ये जो वर्बीना है हमारी नर्सरीज पर जल्दी मिलता नहीं है, तो मैंने दो पिंक कलर की वेराइटी ले लिए है। और इनमें एक और वेराइटी आती है, वो होता है फ्रेंड्स वाइट कलर्स की, तो वाइट कलर का भी मैंने एक ले लिया है। देख सकते हो आप कितने क्यूट होते हैं इनके फ्लावर्स। तो वर्बीना आप इसे एनुअल वर्बीना कहते हैं, तो बहुत ही क्यूट लगते हैं जब इसे बंच में ग्रो करते हैं। तो कहीं आपको गार्डन में बॉर्डर क्रिएट करना हो तो ये प्लांट परफेक्ट है, बहुत क्यूट लगेंगे छोटे छोटे फ्लावर्स से। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है इसका कॉम्बिनेशन, तो मैं इसे कॉम्बिनेशन में ही लगाने वाली हूँ। ऑलरेडी मैंने जो ये पर्पल कलर का एक पॉट रेडी कर लिया है और वो बहुत ही ब्यूटीफुली ग्रो हो रहा है। फ्लावरिंग अभी नहीं हो रही है बट ग्रो बहुत ही अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स पर्सलेन का। तो मेरे पास ऑरेंज कलर का पर्सलेन है बट पिंक और येलो कलर नहीं था, तो ये दोनों प्लांट में पिंक और येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, तो ये मैंने दोनों प्लांट ले लिए।
सो ये था फ्रेंड्स मेरे प्लांट का शॉपिंग। तो कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये सारे प्लांट जो मुझे मिले हैं बिल्कुल ही फ्री में, मैंने कहाँ से लिए हैं। तो ये मैं लेकर आई हूँ फ्रेंड्स गवर्नमेंट नर्सरी से। तो हमारे यहाँ का जो गवर्नमेंट नर्सरी है वहाँ पर ये सारे प्लांट्स मुझे फ्री में मिले हैं। तो वहाँ का एक रूल था कि अगर आप छोटा रूट बॉल वाला जो प्लांट लेते हो तो आपको वो फ्री में मिलेगा, और अगर आप बड़ा रूट बॉल का प्लांट लेते हो जैसे कि जो ट्री फॉर्म में ग्रो होते हैं जैसे कि मैंगो हो गया, गुलमोहर है, नीम प्लांट है, ऐसे प्लांट अगर आप लेते हो तो उसका चार्ज होगा 15 रुपीज़। तो ये जितने भी मैंने प्लांट्स परचेज किए उनके रूट बॉल बिल्कुल ही छोटे हैं, तो इसीलिए मुझे ये सारे प्लांट्स मिले हैं बिल्कुल ही फ्री में। तो आप भी सर्च कीजिए आपके यहाँ के गवर्नमेंट नर्सरीज पर, शायद आपको भी प्लांट्स फ्री में मिलते हो। अगर फ्री में नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स तो हो सकता है चीपर रेट में मिलेंगे। जो प्लांट आप नर्सरीज पर 30 या 40 रुपीज़ या 50 रुपीज़ के बाय करते हो तो आपको गवर्नमेंट नर्सरीज पर 5, 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपीज़ में मिल जाएंगे। तो ज़रूर एक बार आप जो नर्सरी जाते हो उससे पहले एक बार गवर्नमेंट नर्सरी विज़िट कीजिए। सो मैं ये सारे प्लांट्स फ्री में लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। मुझे ये पता नहीं था कि ये सारे प्लांट्स मुझे फ्री में मिलने वाले हैं, वरना तो मैं और बहुत सारी शॉपिंग कर लेती। जब मैंने सारे प्लांट्स सिलेक्ट कर लिए उसके बाद मुझे जो पता चला कि ये सारे प्लांट्स के जो चार्ज है बिल्कुल ही लगने वाले नहीं है, तो मैं एक और बार नर्सरी जाने वाली हूँ गवर्नमेंट नर्सरी। तो कुछ और कलेक्शन वहाँ पर थे, शायद हो सकता है अगले महीने मैं सोच रही हूँ जाने का तो और कुछ वेराइटीज़ वहाँ पर मिल जाए मुझे। तो मैं एक बार ज़रूर जाऊँगी गवर्नमेंट नर्सरी, और हो सके तो एक वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारे यहाँ का जो गवर्नमेंट नर्सरी है वो किस तरह दिखता है और कौन कौन से प्लांट्स वहाँ पर मिलते हैं। सो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो, कुछ प्लांट्स के शॉपिंग जो बिल्कुल ही फ्री में मिले हैं। तो मैं होप कर रही हूँ कि आपकी नर्सरीज पर भी इस तरह के फ्री के प्लांट्स मिले और आपका जो गार्डनिंग करने का जो मज़ा है वो दुगना हो जाए। फ्री के कुछ प्लांट्स मिल जाते हैं तो सच में बहुत ही खुशी मिलती है। मैंने अभी तक जितने भी प्लांट्स मेरे गार्डन में आप देख रहे हो शायद कुछ ही प्लांट्स हैं जो फ्री में मुझे मिले हैं, यानी मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं, बाकी मैंने परचेज़ किए हैं। तो इतने सारे प्लांट्स फ्री में मिले तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो होप आपको भी सारे प्लांट्स फ्री में मिल जाए जल्द से जल्द। तो गवर्नमेंट नर्सरी विज़िट कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर पर ही रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।